तो हाँ जी, कैसे हो सब? आज मैं आपको बताऊंगा भी, जैसे मैंने ना एक नाइक के जो शूज़ हैं वो मैंने ऑर्डर किए थे, ये मेरे को 5,000 के थोड़ा सा नीचे ही पड़े थे, जैसे 4,800 में। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे शूज़ हैं, मेरे फ्रेंड्स के पास भी हैं ये, तो मैंने भी इन्हें खरीदने का जो मन बना लिया। तो पहले तो मैंने जैसे ऑर्डर किया तो मैंने उसका जो नंबर मेरे को ज़्यादा बड़ा लगा तो मैंने उसका छोटा नंबर मंगा लिया। उसमें जब छोटा नंबर वो आया ना, तो आप देख सकते हैं जैसे जो उसकी ग्लू है वो ओवर ही ज़्यादा ही लगाई हुई है हर जगह पे, जो और जो इसका जो वाइट पार्ट है वो सारा मैला है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे वो नाइक का लोगो बना हुआ है ना, ये वाला, यहाँ पे देखो कितना डस्ट लगी हुई है, ठीक है, ये सारी ग्लू लगी हुई है उसके ऊपर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जगह जगह से, जैसे ये देख लो जो वाइट वाला नाइक के नीचे है वो वाला देख लो, ये देखो, ये दिखा रहा हूँ जहाँ मैं आपको, ये देखो ये सारी ग्लू लगी हुई है उसके ऊपर, वो ब्लैक वाले के ऊपर भी ग्लू आई पड़ी है, वो उतरती भी नहीं है। ये देखिए ये वाला कैसे, जैसे इतना ज़्यादा उन्होंने ग्लू लगाई हुई है, जैसे पता लग रहा है अभी ये यूज्ड प्रोडक्ट है, ख़राब प्रोडक्ट है, उसको जैसे थोड़ा सा मैनुफैक्चर डिफेक्ट के लिए जो फेंक देते हैं ना, वो वाला पीस है। ये देखिए ये वाली ग्लू भी कैसे ऊपर आई हुई है, ठीक है भी, जगह जगह पे मतलब ऐसा ही था। फर्स्ट टाइम मेरे साथ वैसे ऐसा हुआ है। यहाँ पे भी देखो आप, जैसे जो इसकी हर मतलब सफाई से नहीं, कोई भी मतलब लग रहा है ये बना हुआ है भी, इतना ज़्यादा डिफेक्टिव पीस है ये। तो बहुत जगह पर ऐसे था, जैसे जो इसका जो बॉक्स था ना, उस बॉक्स पे भी दो टैग लगे हुए थे, एक जो पहले डिलीवर हुआ था किसी के पास वो टैग भी, यहाँ पर देखो कितना फ़र्क है उसका, और अटैच नहीं है वो, और ये देखो ये रबड़ी आधी है, ये देखो फटी हुई है नीचे से, वो देखो आधी है बस, कितना वहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। तो बस इतना ज़्यादा कम, मैंने उस जो वो फ्रेंड था मेरा जो डिलीवरी बॉय है, वो कहता आप इसको रिटर्न कर दो, भी महंगे बूट हैं भी, क्या फ़ायदा इनको भी, जैसे 1-2 महीने में ये तो ख़राब हो जाएंगे। अभी ये देखो दूसरा जो पेयर है उसका, वो देखो कितना ज़्यादा फ़र्क है इसमें भी, बिल्कुल भी साथ अटैच नहीं है, और यहाँ पे देखो कितने, एक तो मैला कितना, और ये देखो ये तो जैसे लोकल शूज़ लेते हैं ना उसमें भी ज़्यादा सफाई होती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है। जो इसका बॉक्स था वो सारा बॉक्स जैसे डैमेज था, टूटा हुआ एक तरफ से, और उसके ऊपर ना दो टैग लगे हुए हैं येलो वाले। येलो वाला टैग क्या होता है, जैसे जहाँ हमारे को डिलीवर हो जब होता है ना, तो हमारा मतलब आईडी वगैरह सब ऊपर उसके लिख के वो लगा होता है, उस पर पहले ही एक टैग लगा हुआ है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। वो जैसे टैग जिसको पहले डिलीवर हुआ है वो सितंबर का है शायद, अक्टूबर सितंबर का, और ये नवंबर का है। ये देखिए ये वाला टैग मेरा, ये वाला जो इस पर लिखा, और ये पहले वाला है जहाँ पे इसने जैसे उस पर ब्लैक पेन लगाया हुआ है ना, ये देखो इससे साफ पता लग रहा था भी जैसे ये प्रोडक्ट यूज़ है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो है ये किसी और का था, ये मेरा था। तो बस यही था, अगर मैं आपको बताऊंगा भी जैसे नाइक का ना, जो मैंने ये चीज़ें देखी है वो आप प्लीज़ देख लेना भी, आपको पता ऐसे है, ये है वैसे ओरिजिनल है लेकिन ये डिफेक्टिव पीस है, ओरिजिनल में भी डिफेक्ट, जैसे कंपनी से जैसे ये बन के आते हैं ना, तो डिफेक्ट होने के कारण वो इसको जैसे निकाल देते हैं, और ये थोड़ा सा जैसे सेल में ऐसे शूज़ ही हमको डिलीवर कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इसको देख लिया करो, आगे चल के आपके जैसे शूज़ की लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, जैसे आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी। वारंटी आपको जैसे इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जैसे ना आपने अगर जो इसका MRP है उससे आपने 25 या 30% लेस में लिया तो आपको वारंटी नहीं देती है कंपनी। तो मेरे को तो जैसे ये आधे रेट के नियर ही पड़ गया, जैसे 7500 इसकी MRP है, मेरे को वो 4800 में पड़ा, तो मेरे हिसाब से भी 30% से सो ज़्यादा ही हो गया है ना, तो मेरे को वो वारंटी नहीं मिलेगी। बाकी ये शू बहुत अच्छा है, ठीक है, नाइक के शूज़ होती वैसे कमाल के हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जैसे वो परख करनी ज़रूर चाहिए भी सही है कि नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, थैंक यू।